तो अगर मुझे एक सोलोनॉइड का, सोलोनॉइड है क्या बेसिकली, ये ऐसे मान लेते हैं एन टर्न्स हैं तुम्हारे पास, ऐसे समझ गए, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहाँ पर, इसको सोलोनॉइड कह रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ टर्न्स है मेरे पास कैपिटल एन, लेट्स से दिस इज लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड, ठीक है, एल डिनोट्स द लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिस इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, ठीक है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, ये सब भी थोड़े डायमेंशंस कंसिडर कर लेते हैं, लेट्स से मैं ये कह रहा हूँ दैट दिस डायमेंशन इज स्मॉल आर, तो रेडियस ऑफ द सोलोनॉइड, ठीक है, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए दैट एल इज एक्चुअली मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, सो दैट द फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड can assume to be uniform, कितनी रहती है uniform field, ampere circuital law से बड़ी आसानी से आ जाता है। वैसे मान लेते करंट I अगर फ्लो कर रही है तो यहाँ अंदर फील्ड में ऐसी अज्यूम कर सकता हूँ यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये फील्ड है मेरे पास B, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डिनोटेड बाई स्ट्रेट लाइन्स, ठीक, ऐसी मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि इन द वॉल्यूम ऑफ द सोलोनॉइड मेरे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा। तो वायर्स क्योंकि जो लूप्स हैं वो बहुत क्लोज हैं, और दूसरा अगर मैं उस सोलोनॉइड को बहुत ही लॉन्ग सोलोनॉइड मानता हूँ, है ना, लॉन्ग सोलोनॉइड अजम्पशन मुझे ये इंश्योर करके देता है कि जो ये फील्ड लाइन्स टर्न होंगी बहुत आगे जाकर टर्न होंगी, ऐसा बहुत आगे जाकर टर्न होंगी, दिस इज लॉन्ग सोलोनॉइड अजम्पशन। ठीक, तो ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए जरूरी है ना, स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, इसलिए मैंने बनाया के दिखाया उसे तुम्हें। एनीवेज, जो अंदर फील्ड रहती है वो आती है मेरे पास म्यू नॉट एन आई, ठीक है, डिराइव्ड यूजिंग एम्पियर्स सर्किट लॉ, जो कि अभी यहाँ हम लोग नहीं करने वाले। अच्छा, तो ये सारे वेरिएबल्स हैं रिलेटेड टू अ सोलोनॉइड, इस सोलोनॉइड में अगर आई करंट अगर फ्लो कर रही है तो इस सोलोनॉइड का बेसिकली अपने को इंडक्टेंस निकालना है, फ्लक्स पर यूनिट करंट, ये चीज़ निकालनी है। तो इंडक्टेंस होता है फ्लक्स, ये टोटल फ्लक्स लिया जाता है, ध्यान रखना, टोटल फ्लक्स तुम्हारे पास ये रहेगा एन फाई, ठीक है, प्रति यूनिट करंट, ऐसा। तो ये इसको मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज भी कहते हैं, दिस इज टोटल फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, तो ये तुम कर सकते हो एन फाई कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, देखो ये फाई इज व्हाट, फाई इज फ्लक्स थ्रू वन कॉइल, ठीक, तो वो चीज़ कितनी हो जाती है अपने पास, उसको ठोको यार, फील्ड, फील्ड तो अंदर यूनिफॉर्म है, एरिया ऑफ अ कॉइल मैं ये ले लेता हूँ ऐसे, ठीक है, एरिया ऑफ अ कॉइल पाई आर स्क्वायर ले लेते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे ये हो गया फ्लक्स थ्रू वन कॉइल, और फिर नंबर ऑफ कॉइल्स अगर एन से मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल फ्लक्स लिंकेज आ गया मेरे पास डिवाइडेड बाय करंट। अच्छा भाई, अब बी मेरे को अंदर पता है कितना है, म्यू नॉट एन आई, बाकी बाजू में पाई आर स्क्वायर बाय आई तो है, करंट और करंट तो पहले कैंसिल ऑफ कर लो।
कुछ इसके बाद देखो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कैपिटल, सॉरी स्मॉल एन को मैं कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन लिख सकता हूँ, ठीक। अच्छा देन उसके बाद ये हो जाता है, ये हो गया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये मसाला आता है मेरे पास, दिस कम्स आउट टू बी एन स्क्वायर। अच्छा अब इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें, ये चीज़ ऐसी आ जाती है, ठीक है। अच्छा एन स्क्वायर, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन एल पाई आर स्क्वायर, इसको मैं लेट्स से एरिया ऑफ द कॉइल भी कह सकता हूँ, एस से डिनोट कर देता हूँ उसको मैं, एस इज एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ अ कॉइल, ठीक है। ये मेरे पास इंडक्टेंस का ये एक्सप्रेशन आ जाता है, दिस इज वन ऑफ द लेसर, मतलब थोड़ा सा उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इस फॉर्मूले की, उतनी ज़्यादा इसको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में भी तुम दरअसल निकाल सकते हो। देखो किस प्रकार से इसमें तुम काम ऐसा करो, कैपिटल एन को तुम ऐसा लिख लो, ये तो एक फार्मूला हो ही गया तुम्हारे पास इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड का, दिस बट दिस इज़ वन ऑफ द लेसर नोन फार्मूलाज। ये तुम क्या कर सकते हो, कैपिटल एन को ये फार्मूला बहुत चलता है ना, ऐसा लिख लो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ टाइम्स लेंथ अगर करोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ टर्न्स मिल जाएंगे, ठीक है। कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ऐसा। कैपिटल एन की जगह अगर तुम ये लगाओ, ये काफ़ी चलता है, इसके बाद जो फार्मूला आता है ना ऐसा, ये एस हो गया, एस हो गया है, तो फिर बोलो इसको पाई आर स्क्वायर रहने दो, ऐसा, तो डिवाइडेड बाय एल, तो यहाँ देखो क्या आ रहा है, ये आ जाता है तुम्हारे पास कैपिटल एल, इसका मतलब कैपिटल एल आ रहा है म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, दिस इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, दिखता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली अपने पास सिलेंडर यही तो है, सोलेनोइड इज तो सिलेंडर है एल और ये आर, ठीक है, दिस इज द सोलेनोइड, यही तो है सिलेंडर। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ म्यू नॉट एन स्क्वायर कैपिटल वी, वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ द सोलेनोइड, ठीक बात। तो ये जो फॉर्मूला है ना एल का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें याद होना चाहिए, अगर याद रख सके तो अच्छी बात, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनोइड। ठीक है, ये याद रहने का, इसमें ये याद रहे ना रहे, फॉर्मूला याद रहे ना रहे, ये बात तो बिल्कुल याद रहनी चाहिए, ये इंडक्टेंस जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एन स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक, ये भी याद रखना, एन स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ठीक, ओके दें।